हो गया दुल्हा दुल्हन का मंदिर, राम और सीता जी शादी करके पहला रात यहीं पे गुजारे, इसी को बोलते हैं दुल्हा दुल्हन मंदिर। और ये यहाँ पे हो गया भावरी मंडप। भावरी मंदिर यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पे भावरी मंडप हो गया, राम और सीता जी का भावरी मंडप। ओ, भावरी मंडप मतलब हाँ। क्या है? जो चाल हाँ, देते हैं ना माता हाँ, पिता को जो हाँ, हाँ, ऐसे शादी के बाद जब घर छोड़ के जाते हैं हाँ, हाँ, ऐसे छीटता है, छीटता है चाल, छीटता हाँ, हाँ, है ना हाँ, हाँ, समझ गए मैं। ये हो गया आपको राजा जनक जी का मंदिर, जानकी मंदिर है ना, वो जानकी मंदिर सीता मैया को शादी करने का टाइम में, सीता मैया को शादी करने का टाइम में दान में दे दिया। दान में देने के बाद राजा जनक जी ने अपने लिए छोटी सी आश्रम ये बनाई, यहाँ पर ही उसके बाद रहते हाँ, यही पर रहते। ये है राजा जनक मंदिर। चलो हम जाते हैं, अब देख के आते हैं। सुना आगे चलो तो राजा जनक जी ने सब कुछ दे दिया, वो महल भी दान में दे दिया, अपना सर भी काट के दान में दे दिया राजा जनक जी। वो सर भी काट के हाँ, वही तो मैं दे, वो राजा जनक जी का सर नहीं है, वो माथा नहीं, यही चीज वो माथा घट के दे दिया का, वो नीचे है, नीचे नीचे छोटा वाला, वो कुछ नहीं रखा अपनी बेटी को, सब कुछ दे दिया बेटी को हाँ, सीता मैया को सब कुछ दे दिया हाँ। तो क्या करेगा उसका प्यारी सी ले चला गया सीता मैया, पाला वाला उसके बाद शादी कर दिया। ये जनक जी मंदिर है, इसी जगह पे जनक जी आ गए सीता मैया का शादी के बाद। ये हमारे आज के लिए जनकपुर का गाइड है भाई, नाम बोलो आपका, आपका नाम रोहित कुमार शाह, रोहित कुमार शाह, रोहित कुमार शाह है, रोहित कुमार शाह हम लोग का गाइड है। ये जनकपुर मिथिला घुमाएंगे और गाइड का काम भी कर रहे हैं। अभी तो हम लोग यहाँ पर आए, और कितना जगह जाऊंगी भाई? अभी जाएंगे बाणगंगा, बाणगंगा उसके बाद स्वर्ग द्वार, राम मंदिर, राजदेवी मंदिर, उसके बाद जानकी महल, जानकी महल, जानकी महल ही लास्ट। चलो एक बार ये देख लीजिए, ये हनुमान जी है ना, जनक जी का टेंपल, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। बहुत अच्छा गाइड मिला हम लोग को, बहुत अच्छा तरीका से घुमाया और बहुत अच्छा जानकारी भी दे रहे हैं। ये महागंगा आरती हो गया, इसको राम जी ने बांध चलाकर गंगा प्रकट किया, उसके बाद सीता मैया स्नान करके गौरी पूजन कर, गौरी पूजन शिव मंदिर यहाँ पर सीता मैया पूजन स्नान करके पूजा की। गंगा माता के आरती शुरू हो चुके प्रत्येक दिन अपना सुबह सकती थी श्रद्धालु महानुभाव लोग इतना भी जल ले इतना पूर्व धाम के पवित्र गंगा जल के हमेशा सुंदर पवित्र स्वच्छ रखी जाओ और महागंगा आरती में ये जगह पे ये महागंग यहाँ पे जैसे बनारस में गंगा आरती होती है, इधर भी गंगा सागर जैसे महागंगा आरती यहीं पे होती है शाम को 7 बजे हर दिन। और
ये हो गया जैसे राम जी ने बाण चलाकर गंगा प्रकट किया और इसी में सीता मैया स्नान करके वहाँ पे गौरी पूजन है, वो गौरी पूजन करते हर हर उसी हर दिन। हाँ हर মনটা ভালো লাগছে যে না সত্যি সত্যি আজকে থাকাটা সার্থক ভালো লাগছে। রামায়ণ যে স্টোরি আমরা টিভি ভিডিও পে দেখা হ্যাঁ পড়া হ্যাঁ উসি জায়গা পে আগে বহুত আচ্ছা লাগ রে হ্যাঁ। काठमांडू में पशुपतिनाथ है ना, वैसा ही दूसरा रूप इसका बाबा भूतनाथ मंदिर। ये बाबा भूतनाथ मंदिर है जैसे पशुपतिनाथ जैसे बाबा भूतनाथ। काठमांडू में पशुपतिनाथ, जनकपुर में बाबा भूतनाथ, ये किस्से भी है ना। कोई भी यहाँ पर कोई बात नहीं पे तीन तो चल रहे हैं। ये शशान घाट है चलो आप भाई आप भी। मैं रांची झारखंड से आया हूँ। चलो बहुत अच्छा, नाइस टू मीट यू। हम लोग कोलकाता से। हाँ जी हाँ जी, कोलकाता से आए हम। आप लोग ऐसे ही ऐसे ही है वीडियो बनाते हैं। बॉडी चलते हुए नहीं देखा है मैं, आप देख रही हूँ यहाँ पर दो बॉडी चल रहे हैं। खास कर देख रहे हैं ना, देखो दो जगह पे चल रहे हैं। ये शशान घाट है जैसे काठमांडू में पशुपतिनाथ है और यहाँ पर भूतनाथ है। जनकपुर में दो बड़ी जल रहे हैं। मैं लाइफ में पहली बार इतना नज़दीक से बड़ी जलते हुए देख रही हूँ। आलो आने दो, उधर खड़ा हो जाओ देखते हैं। शक्तिपीठ मंदिर राज देवी, यहीं से राम जी ने अयोध्या से जो शादी करने के बाद राम जी यहीं पे दर्शन करके, शक्तिपीठ का दर्शन करके राम जी उस पर से विदाई हुई। विदाई मंदिर वाले आगे है, आगे है ना ये। उस विदाई होके इंडिया पे गए। राजा जनक जी का कुल मंदिर है, ये कुल देवता है। यहाँ पर रामचंद्र का दर्शन करके यहीं से राम जी विदाई हुई थी, इसलिए विदाई वाली मंदिर है राम जी का। राम जी का नाम पे ये मंदिर है, ये राम मंदिर है। शादी के बाद ये जनक जी का कुल मंदिर पे आया है, कुल मंदिर पे प्रणाम किया, उसके बाद विदाई हुआ है। उसके बाद ये राम के नाम पे ये मंदिर हो गए, राम मंदिर। देखने से पशुपतिनाथ मंदिर जैसा है।
जनकपुरी दान में दे दिया जनक राजा ने। इसके बाद जनक राजा पास में एक छोटा सा कुटीर बना लिया, आश्रम बनाया। वो आश्रम में जाके जनक राजा रहते थे। जनक राजा दान में उसका शेर भी दे दिया बेटी को। हम लोग वो सब ये वीडियो में दिखाया, तो देखो बहुत ही सुंदर है जनक राजा का जनकपुरी, जो हम लोग रामायण टीवी में देखा है, वीडियो पे देखा है। जो जगह जनकपुरी जहाँ सीता मैया बड़ी हुई है, रामायण में देखा था और खुद आंखों में हम लोग देख रही है, वो जगह जनक राजा का जनकपुरी देख के हम लोग बहुत खुश हो गए, आँख भी भर गए और जीवन धन्य हो गए। जय राम जी, प्रणाम श्री रामचंद्र की, सीता मैया की। जनक यहाँ का लोग अभी भी यहाँ पर शादी का अनुष्ठान मनाते हैं। हम लोग देखा है यहाँ पर अनुष्ठान चल रहे हैं शादी का, और देखो और भी यहाँ पर देख रही हूँ एक और पेंडल बना रहे हैं ये शादी का। वो गाइड ने बोल रहे हैं यहाँ पर रियल में भी शादी का अनुष्ठान होते हैं ये जनकपुरी में। राम जी और सीता मैया का विवाह मंडप है ये रात 9 बजे विवाह मंडप में प्रवेश निषेध हो जाते हैं, 9 बजे तक खुला रहता है। अब 9 बज गए इसलिए ये बंद हो गए, हम लोग अंदर नहीं जा पाई। कंप्लीट हो गए हैं नेपाल टूर, नेपाल कंप्लीट हो गए। अब हम लोग जाओगे भूटान, लेकिन भूटान जाने के लिए हम लोग को फिर वापस करना पड़ेगा इंडिया, इंडिया का सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी होके हम लोग को जाना पड़ेगा भूटान। इसलिए नेक्स्ट हम लोग जाऊंगी सिलीगुड़ी। तो ये रोड ट्रिप देखने के लिए सब्सक्राइब करना माउंटेन ब्लॉग सुतोपा, हम लोग के साथ रहना और देखते रहना। जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं जरूर सब्सक्राइब करना माउंटेन ब्लॉग सुतोपा, MP सुतोपा।